मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट मेरा व्लॉग है वो है किस चीज का, आज हमारा गेट टुगेदर है। नहीं नहीं सुनो मेरी बात, सबसे पहले मैं उठती हूँ, अगर जो सबसे पहले उठ के रेडी हो जाएगा और बाद में जो रेडी होगा तो वो उसकी कॉपी कर रहा है ना, मैं क्यों कॉपी करूँगी। अगर मैं बाद में कपड़े पहनती तब मैं तुम्हारी कॉपी कर चुकी। अब धंधा भी छीन रही है। तो हमारा जो गेट टुगेदर है वो है रिज के साथ, रिज को आप जानते हो, रिज धवन, ठीक है, आई एम दी वन। हाँ, तो उनका अभी बेबी हुआ है रिसेंट, कितने महीने हो गए, हो गए होंगे 6 महीने के आसपास ना, 6 महीने का हो गए। हाँ, तो मैं तब से गई जा नहीं पाई, मतलब तो आज मैं उनके बेबी से हुकूमत से मिलने जा रहे हैं हम, और हमारा आज गेट टुगेदर है तो हम रिज के घर पे जा रहे हैं उनके हस्बैंड से, उनके बेबी से, और उनसे मिलने। और हाँ, तो हम जा रहे हैं बस, मेरा धंधा छीना गया है, मेरा ये थोड़ा सा परेशान है क्योंकि आज व्लॉग मैं बना रही हूँ और चुच्चे घूम के लिए, तो ये इन्होंने बोला कि मेरा धंधा छीन लिया। ऐसा कुछ नहीं है, चलो अब मिलते हैं उनके घर पे जाके। अभी हम रास्ते में निकले, हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि जो हमेशा ही होता है इनकी वजह से, गाइस मेरे को एक बार फॉलो करो, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो जाके, ठीक है। ये तो प्रमोशन करेंगे नहीं, मैं अपनी प्रमोशन करा रहा हूँ, जल्दी से मेरे 10,000 रह गए उनको पूरे कर दो, मेरे 1,00,000 हो जाएंगे। बस करो, हमें जाना सब 1-2 बजे, हमें यहाँ यहीं पर 4 बज चुके हैं, तो हम पहुँच के बताते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं रिस के घर पे। हम पहुँच चुके हैं लोकेशन पे, बैग उतार रहे हैं सर। ओ मेरा भी खाओगे, मेरा भी, मैं इतना सारा सामान, हम ऑफिस से डायरेक्ट आए हैं और ऐसा लग रहा है हम जैसे घर पे रहने आ रहे हैं, उसको लगेगा यही, उनको यही लगने वाला है कि हम उनके घर पे रहने आ रहे हैं। देखो इतना सारा बैग, ये लो नोटबुक, चलो भैया जी, हम कितना काम, हमें जाते जाते भी काम करना था, एडिटिंग की रिपोर्ट बुक, हाय भगवान वो आ गई सामने। चलो भाई ऐसा लग रहा है हम यहाँ रहने आ रहे हैं, यही ये क्यों लेकर आ गए, परमानेंट रहने आए हैं तुम्हारे पास। इधर इधर देखो हम रहने आ गए, देखो गरीबों के घर मैनेज कर लोगे ना। हाँ हाँ, अरे कैसी बात कर दी यार, कैसे हो, बढ़िया, कौन से साल में चेयर्स कर रही थी, चेयर्स कर रही थी मैं, आ जाओ चलो ये पकड़ो तुम, अब मैं क्या करूँ, ये लोग रहने आ गए हमारे घर पे, रख ले, मैं तो रहने आई, जगह बहुत है, इतना सारा सामान, हम कौन से महल में रहे, तो एडजस्ट कर लेंगे, ये लो पकड़ो। कौन है आपसे मिलने, देखो मासी आ गई, मासी इसको हमने पहले कोई तो आ रहा है और हमने ब्लॉग किया था, लेकिन हमने कहा कि बाद में सरप्राइज देंगे। हेलो, प्यारी है बहुत, कुकू देखो मासी से शर्मा रही है, देख ही नहीं रही है, आज पहली बार मैं इधर आ जाती हूं, हां हम इधर कर ले बात, कैमरा इधर, यहां कैमरा इधर लगा के ना, प्रोजेक्ट की करेंगे। हेलो हेलो, क्या हो, हम आए नहीं, अरे देखो क्या अंदाजा लगा रही थी, देख देख देख, अनी कैसे हो, कंप्लीट 4 महीने की हो जाएगी 9th को, कुकू क्यूट लग रही है, हेलो ऐसे की सब को देख, अरे लड़की है ये, सबसे बात करती है, सबसे सही है ना, ऐसे डांस कराऊं, आप भी कराते हो, अब देखो
बेटा देखो चाचू कैसे करवाएंगे, ये लो सेट भी ले लो और ये टाइट कर लेते हैं ना, स्टेप कर लेते हैं हां चलो कैमरा नहीं छोड़ दीजिए, डांस कर देते ना एक बार मम्मा को देख रहे हो आप, कौन है पहले बता तो दो, कौन है ऐसे कर दो, हेलो गाइस हो गई बात की चाय ब्लॉग। आपने बनाई है चाय यार, आ जाओ चाय ले लो, आओ चाय लोगे, चाय पियोगे, चाय को एंजॉय करो। 8000 की स्ट्रैप ली आपने, 8000 की स्ट्रैप भाई, ये देख सब मैंने सोचा कि ये देखो इस चीजों का, हाँ ये देखो, हाँ जो बंदा आई वॉच लेने जाता है ना वो सोचता है कि 10-44 mm जो नॉर्मल आते हैं वो, इस सीरीज में कोई जाने की सोचता नहीं है, बहुत कम बंदा सोचेगा, और ये है गोल्ड रोज गोल्ड ब्लैक, ये बहुत कम लेते हैं लोग, लेते ही रेयर रेयर बहुत रेयर, आपकी इससे कम वाली में भी है, हाँ ये गोल्ड वो नहीं है, ये बस गोल्ड सीरीज है इसलिए महंगा है, तो यार लुक वाइज स्टेनलेस स्टील है, बहुत महंगी है, और ये 8000 रुपए का पट्टा, पता इतना तो पट्टा मत बोल, इसको ये स्ट्रैप है, पट्टा ही बोल रहा है भाई, 8000 रुपए का पट्टा रोया था, अगर पूरा 8000 रुपए का ले, मैं 300 रुपए का दिलवा देता कबाड़ से, अरे मैंने आप और टेंपर टेंपर तो 2500 हैं, हाँ अभी करोल बाग जाना, ओ भाई 2500 का टेंपर, 1000 रुपए का 50 ले आऊंगा, ये मैं 3000 रुपए का लाई थी, इस छोटे के आगे बाहर खड़े होते हैं ऐसे लेके, हां जी हां जी, पहले भगवान ने ना शक्ल ऐसी दे दी है, महंगी वाली बात से होती है, गरीब और इंसान फिर भी समझता है कि महंगा, हम पता है आप भी कवर लेने जाते हैं ना, सेटिंग प्रो मैक्स पहले जेब में रहेगा, हां अबे यार तुम कर क्या रहे हो, मेरी कवर में नहीं, आज ये सारी पोल खोलने वाले हैं कि रिच कितना खर्चा करती है, मुझे 10 दिन पहले ऑफिस के लिए फोन भी लिया, ये वाला कि मेरा ऑफिशियल नंबर इसमें रखा है, फोन घटिया सा बताओ यार, 23 ये भी इसका भी ऑफिस के लिए, ऑफिस के लिए अच्छा, ये माइंड है लड़की का, देखा 22 अगस्त को लिया है, 22 अगस्त को लिया है ना वो, ये देख रहे 24 अगस्त पर नुकसान करा दिए, ओ भाई भाई कसम से शौकीन देखा इतना, ये 17 वो 22 को लिया ना, ये 17-8 ये ऑफिस के लिए, जिसकी लाठी उसके लिए 17-8 ये ऑफिस के लिए लिया है, वो फोन के लिए लिया है, 13 प्रो मैक्स ले लिया, वो भी जब जब 14 आ रहा है, पैसा कमा रही है मैं लोन लूंगी इनसे, ऑफिस के अच्छे फोन है उनसे, और मैं नहीं मैं बोलूंगी भाई, मेरे को लोन चाहिए कम से कम घर लेने के लिए, लोन चाहिए मेरे को भी, 4000 ये भी पड़े हैं, 2500 पता नहीं, 50 रुपए ऐसे तो मैं भी बहुत शौकीन हूँ, अब ये मैंने 30000 के लिए, वो कभी कभी सही चलता है, ये एक बार में 3-3 लाख रुपए अगर मैंने इस पे पैसा खर्चा है तो उसकी वर्थ है या नहीं, ठीक है आपने हेडफोन तो वो भी 30000 रुपए गए, तो इसकी वर्थ है नहीं कि नहीं, जैसे आपके वो 8000 रुपए स्ट्रैप की वर्थ नहीं थी, इसकी वर्थ बता रहे, चलो ठीक है हमें प्ले करवा, ठीक है अच्छा है, ये इस साउंड को अच्छा कह रहे हैं, म्यूजिक कम लग रहा है थोड़ा, वाओ यार ये भाई धीरे
हमारे सुनाई नहीं दे रही है इनको, सब वाइब्रेशन हो गया, एक नंबर 1 लाख का होता तब भी वो सुनते अभी पता क्या चिल्ला रहे थे आप? एक रिएक्शन तो मिल गया, अब दूसरा रिएक्शन, अब ये ना चिल्लाएं। अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए, ठीक है? सुनाई नहीं देगा अभी तक आपको कैसा लगा? मस्त लगा। तो अब मैं वो चीज कर दूं ना, मुझे करनी चाहिए। मेरे को लग रहा है मैं कुकर के सामने खड़ा हूँ। सेक्सी यार, ये चाहिए, ये चाहिए बेबी, ऐसी चीजों पे खर्चा करो। सेक्सी उससे बेटर है। ऐसे हेडफोन अल्टीमेट है, तो बहुत सेक्सी है। क्या वाइब्रेशन है यार इसकी, अपने पता चले ब्लॉग देख के लोग इसको ऑर्डर करने लग जाए जिनको चाहिए हो। इसका रिव्यू अच्छा मिला है। सच्ची बताऊं तो उठ गए हो तुम? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। क्या हुआ, इतने कंफ्यूज क्यों? क्या हो गया, क्या हो गया? हुकूमत रेडी है। सुनो, ये देखो, ये आपने बनाया है ना। चलो आज हम जिसके हाथ का खाना खाने वाले हैं। कुछ अच्छा कुछ स्पेशल बनाते हो जो ये मैगी बनाती है ना, और कॉफी और चाय, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। चावल जैसे चावल भी नहीं बनाया। जैसे कोई पूछे क्या था, अंडे की भुजिया बस। मैं ऑल ओवर हूँ, मुझे सब आता है बनाने। ये खाना छोड़ ही नहीं रहे, मैंने खा लिया है और ये खाए जा रहे हैं अभी तक। जो गया तो गया, अपनी गाड़ी गई ना, खत्म बात। खा लिया, तू मेरे को बताएगा नहीं तो 5000 रुपए कम। ये डाइट, ये डाइट पे है, ये डाइट पे है। तुम डाइट पे हो तो तुम ये ऐसे ऐसे खा रहे हो, तुम डाइट पे हो? किसने? चलो चले, ये बाय बाय, ओके बाय। और हाँ, नेक्स्ट टाइम आपको आना है, पक्का डन है। नहीं आए तो आऊंगी आऊंगी आऊंगी, नहीं तो आऊंगी आऊंगी आऊंगी, नहीं तो 100 दिन की कट्टी। चलो, ओए ये क्यों मार रहे हो भाई, गलत गलत बात है। गोवा से ली थी वो मिली नहीं ना। चलो हम जा रहे हैं अपने अपने घर फाइनली, एक हफ्ते बाद जा रहे हैं हम घर पे। तारे तक भी टच कर जाएगी। क्या कर रहे हो अभी? अपने लेजर लाइट दिखाएंगे कहाँ तक जा रही है इनकी। अरे बहुत दूर तक, बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर। बस दिखा लिया जा तू। ओ मैजिशियन, ये बन रहा अपने आप को जादूगर, हट मत करो यार। चलो फाइनली एक हफ्ते बाद हम घर जा रहे हैं। हम ऑफिस से डायरेक्ट यहीं आ गए थे क्योंकि इनका घर हमारे रास्ते पर था, 10 मिनट की दूरी पे बस। चलो भाई कैब आ गई होगी वो रेड वाली। अरे वो तो ये देखो कैसे हो रहा है भाई, कैब आने वाली, कैब के पास चलो, घर चलो, थक गए बहुत। चलो बाय बाय, बाय बाय, बाय। आज अंदर घुस जाओ। ओके देखो, कर देना एक बार मैसेज, कर देना। हां ओटीपी दे दो। चलो भैया ठीक है, बाय बाय। चलो बाय बाय, टाटा। ऐ कम कर। चलो भैया अब घर छोड़ दो, टाटा बाय बाय, बाय बाय। ये मैं घर से करता रहूंगा ऐसे।
तो गाइस हम निकल चुके हैं रिंस के घर से, अब हम जा रहे हैं अपने घर फाइनली एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते तो ऑफिस में थे, काम 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 काम, अब हमें थोड़ा रेस्ट मिलेगा। कल तो ये जा रहे हैं वृंदावन सुबह 5 बजे, ठीक है? जय श्री कृष्ण। तो मैं जा रही हूँ घर, अब रेस्ट करूँगी। और ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो, और ये ज़रूर बताना अगर मैं चिक चिक बूम पे ब्लॉग डालूँ और आप पसंद करोगे ब्लॉग डालना या सिर्फ प्रैंक ही पसंद करोगे, ये बताओ जल्दी जल्दी से बताओ कमेंट करके, ब्लॉग बनाने चाहिए मुझे या नहीं, ठीक है? और इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना और शेयर जरूर करना। बाय बाय।